मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के तत्वाधान में रविवार को एक क्लब में आज का समय और मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आज का समय और मीडिया की भूमिका विषय पर प्रकाश डालते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि अच्छी चीज़ों को सामने लाना ही मीडिया का महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे घटनाएँ हैं जो मीडिया के माध्यम से पता चलती हैं और उसका खुलासा किया जाता है। उन्होंने कहा कि मीडिया का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एडीजी जोन ने कहा कि मीडिया समाज की अच्छाई और बुराई को उजागर करती है, जिससे लोगों को सच्चाई का पता चलता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार, हर्षवर्धन शाही, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, शैलमणि त्रिपाठी, कमलेश सिंह, सतीश पांडे सहित भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष अरविंद राय ने कहा, सबसे उनको खराब काम अगर लगता है तो यही लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी उनको समझनी पड़ेगी। अब मेरा अनुरोध उनसे तशरीफ लाए। आदरणीय शाही जी का स्वागत करते हुए पुष्प सामने रोशे लिखे लेंगे। लगा रखिए सर, अभी लगा दीजिए। आदरणीय विजय कुमार जी, आदरणीय हसवंत शाही जी, सब लोग एक साथ लगा दीजिए। आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय नवीन श्रीवास्तव भुगवानी भाई जी, दीप प्रज्वलित करते हुए पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपके संपादक अखिलेश चंद जी, आदरणीय जगदीश लाल जी, संवाद रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, हमारे पत्रकार साथियों के लिए वो महत्वपूर्ण होगा। आज का समय है, इस समय में हम किस रूप में काम करें, विकास का ये दौर है, हमको कहाँ से किस भूमिका में अपने आप को रखना होगा, इन सारे मुद्दों पर हमारे अतिथि अपनी बात रखेंगे। मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह विषय जितना फलक लिए हुए है, जितना इसका विस्तार है, उतना ही ये ज़्यादा गहरा है, ऐसा मेरे देखने में लगता है। यद्यपि हम लोग अपने पत्रकारीय धर्म में भाषण देने वाले नहीं रहे, लिखने वाले भी बहुत नहीं रहे, हाँ संपादन कर्म का कुछ सहारा रहा। जो देख पाया है, जो समझ पाया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यह बात आज से 10 साल पहले भी कही जाती रही है, शायद उसके पहले भी कही जाती रही हो, लेकिन आज ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है। किन अर्थों में? एक तरह से जो समाचार पत्र उद्योग का कार्य है, वह वैचारिकी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इस वैचारिकी में भी दो धाराएं हैं, एक तो पक्ष की है और दूसरा उससे अलग है, असहमति। यह पूरा समाज इस दो वैचारिक खेमे में एक तरह से बटा हुआ प्रतीत होता है। पत्रकारों की भूमिका पहले से भी तय है, आज नए सिरे से तय करने की जरूरत नहीं, लेकिन है, मेरे देखने में लगता है समाज ने तय किया हुआ है। वह एक परंपरा के रूप में जितने सवाल उठ रहे हैं, जितने घनीभूत हो गए हैं, शायद इससे पहले कभी नहीं थे। हमारे सवाल ज्यादा क्यों हो गए? मूल्य तो समाज ने दिए, पूंजी लगाई किसी पूंजी घराने, हमारे
इस बृहत्तर समाज को उसमें संतुलन बनाए। वापस निकालना और बिना डर भय के लाना, ये मीडिया का हमेशा रोल रहा है और इतिहास गवाह है कि हमें अच्छे अच्छे चीज़ों को वो सामने लाए हैं। और ज़्यादा दूर जाता नहीं, वो परसों की घटना जहां हम लोग गए और संज्ञान में लाए, एक मीडिया के रिपोर्ट नहीं किया था उस सारी चीज़ों को, तो वो मीडिया की इम्पोर्टेंट रोल की प्रासंगिकता को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे, एक मजबूत खंभा है आप, तंत्र और शासन पूरे एक डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उस इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता कभी। अपनी जो इग्नोर कर रहा है वो अपने ऊपर ही अपने कॉस्ट पे कर रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करते हुए आप अपने रोल को सही ढंग से कर सकें, सही दिमाग निकल सके। अच्छे बुरे लोग हर जगह होंगे, पाँच उंगली कभी बराबर नहीं होती। हम ही उसी समाज में, अब कोई पुलिस में आता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आता है, कोई राजनीति में जाता है, कुछ मीडिया में जाएंगे, कुछ वकील आएंगे, आप ये समझेंगे कि सब जगह अच्छे लोग होंगे, नहीं होगा। समाज में भी कोई राम राज्य नहीं है, अच्छे बुरे लोगों की चीज़ बनी रहती है। परंतु हमें ज़रूरत है कि जो अच्छे लोग हैं जब हर जगह, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, संगठित हों, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, समाज अच्छे ढंग से चलेगा। प्रदेश सरकार एक निर्भीक और स्वच्छ प्रशासन देने का प्रयास कर रही है, बहुत स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के हर स्तर पे हम लोगों को, कि बिना किसी लाट लपेट के अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, अच्छा रिस्पॉन्स करिए, क्विक रिस्पॉन्स करिए। खास करके मीडिया के जो कमेंट्स आते हैं या ट्वीट भी आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर रिपोर्ट होती है या अखबारों की रिपोर्ट होती है। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपके मीडिया के एग्जाम्पल से, कि एक छोटी सी खबर कुशीनगर की आई थी, दो तीन दिन पहले किसी अखबार में मैंने पढ़ा, उसमें एक लिखा था कि चौकीदार के साथ लूट हुई। तो मैंने उस खबर को पूछा SSP से कि क्या हुआ, तो वहाँ से रिपोर्ट आती है कि साहब एक उसमें उसके साथ गुमशुदगी हो गई थी, किसी जिस चीज़ की लूट हुई है उसको गुमशुदगी दिखाकर दर्ज कर दिया। खैर वो अलग बात है, तथ्य हमने फिर डायरेक्ट चौकीदार का नंबर लिया, फ़ोन पर बात की तो तथ्य पता लग गया। तो मुझे कहाँ से पता लगता, हमारे सिस्टम ने तो उसको गुमशुदगी दर्ज करके गुमशुदा ही कर दिया था। परंतु आपकी उस छोटी खबर ने उस तथ्य को लाया और उसको हम लोग ने कॉग्निजेंस लिया और घटना पता लगी। एक दो दिन पहले मीडिया बंदों के एक बंदे ने खबर दिया कि कोई उनकी मौजूदगी में किसी चौकी इंचार्ज ने बदतमीजी की, किसी के साथ जाति की। SSP से पूछा, बोला साहब सही है, कार्रवाई हुई। इसी प्रकार एक खबर और छपी गोरखपुर की, जिसको अदरवाइज कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था, इग्नोर कर गई थी, उस पर पूछा गया, कार्रवाई। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रासंगिकता मीडिया की कभी नहीं जाएगी। आप एक मजबूत, आपका जो तंत्र है उसको हमको लिवरेज करना चाहिए। अगर हमारे अपनी नेक नियति है मेरे अंदर, तो मैं आपके तंत्र को लिवरेज करूँगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ हम लोगों का, मैं जब तक हूँ मैं आपके सहयोग में खड़ा हूँ। आपके कोई सहयोग हो, जो आपको लगता है कि कोई ऐसी जायज बाज कहीं भी है, आप अपने तंत्र मीडिया के थ्रू जरूर हम पे आइए, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें सही समय पर कार्रवाई। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे से बहुत छोटी मुँह बड़ी बातें कहूँगा, बहुत ही विद्वान और एक्सपीरियंस लोग यहाँ बैठे हैं, वो बेहतर मुझसे बता सकते हैं। मेरे को बस आपने यहाँ आने बोलने का मौका दिया, आपके मध्य आने का मौका दिया, मैं इसके लिए आभारी हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि गोरखपुर में रहते हुए आपके साथ कंधे से कंधे मिला के कार्रवाई करूँ। थैंक यू वेरी मच। अरविंद कुमार राय मेरा नाम है, मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का अध्यक्ष हूँ। मान्यता प्राप्त पत्रकारों का संगठन है मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति, उसके द्वारा आज का समय एवं मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें हमारे अतिथि पहुँचे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। गोरखपुर क्लब में हमारे राज्य सूचना आयुक्त साई जी आए हैं, सलमणि जी आए हैं और पूर्व संपादक अमर उजाला मृत्युंजय जी हैं, सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं। पत्रकारों को सीखने का अच्छा मौका भी है, जो नए हमारे साथी हैं, इस संगोष्ठी के जरिए उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्या समझेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमारी जो भूमिका है उस पर हमें कैसे खरा उतरना है, इसी के लिए हमारा यह आयोजन है, इसी का हमारा प्रयास भी है। और हमको लगता है कि हम पत्रकार साथियों को अपने इस समय में अपनी भूमिका का सही निर्वहन करना चाहिए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत भी हैं और कर भी रहे हैं।